चित्तौड़गढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी एक्सीएन राजेंद्र प्रसाद के 4 लाख की रिश्वत लेने का मामला। ट्रैप अधिकारी के एक लॉकर की शुक्रवार को तलाशी ली गई। दूसरे लॉकर से 20 लाख 91,000 रुपए मिलने की सूचना मिली है। पूछताछ में और भी खुलासे होने की जताई जा रही है उम्मीद। साथ ही आपको बता दें, लॉकर और घर की तलाशी में 68,71,000 रुपए की नकदी मिली है। 14 लाख के आभूषण और करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जहां पर करोड़ों रुपए की नकदी और जेवरात जब्त किए गए हैं। लॉकर और घर की तलाशी में 68,71,000 रुपए की नकदी मिली है और करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी एक्सीएन के घर और ऑफिस में तलाशी की जा रही है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई और अब आगे पूछताछ में कई खुलासे होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो चित्तौड़गढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जहां पे पीडब्ल्यूडी अधिकारी के घर और ऑफिस में तलाशी के दौरान करोड़ों रुपए के संपत्ति के दस्तावेज, लाखों रुपए की नकद राशि और जेवरात जब्त किए गए हैं। तो लॉकर और घर की तलाशी, जिसमें 68,71,000 रुपए की नकदी और 14 लाख के आभूषण, साथ ही करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन पर यह कार्रवाई एसीबी की और उसके बाद बड़े खुलासे होने की अभी संभावना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अखिल। अखिल, पीडब्ल्यूडी एक्सीएन राजेंद्र यादव पर एसीबी की कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? इस मामले में अपडेट मिला है कि एसीबी ने इसके दूसरे लॉकर की तलाशी ली है और उसके दूसरे लॉकर में से 20,91,000 रुपए नकद मिले हैं और ये लॉकर की तलाशी आज हुई है शुक्रवार को, जो इसका उदयपुर में एचडीएफसी बैंक में था जी। अभी अभी एसीबी के पास और कौन से सबूत मिले हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई खुलासे अभी और भी हो सकते हैं, और भी लोग कोई शामिल हैं या जिन पर अभी कार्रवाई बाकी है? नहीं, अभी अभी प्रारंभिक रूप से एक्शन पीडब्ल्यूडी एक्शन है राजेंद्र प्रसाद लखारा, इसी को ही जांच का बिंदु रखा हुआ और इसी के आधार पर रखते हुए तलाशी का कार्य जारी है। इसके ठिकानों से अब तक 90 लाख रुपए की राशि नकद मिल चुकी है, 2 लाख के आभूषण भी मिले हैं जी। अखिल, ये जो अधिकारी है, इस पर ट्रैपिंग की जो कार्रवाई है वो किस तरह से हुई? एक ठेकेदार की तरफ से शिकायत की गई थी कि उसके जो 1.5 करोड़ रुपए के कच्ची बिल है उनको पास करने की एवज में वो पैसे मांग रहा था और 4 लाख रुपए की रिश्वत की राशि इसने अपने आवास पर ली थी ठेकेदार से। तो अभी क्या एसीबी का अगला एक्शन क्या? तो एसीबी उदयपुर की टीम ने इसको पकड़ा था जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, पीडब्ल्यूडी एक्सीएन राजेंद्र यादव के घर और ऑफिस में कार्रवाई की गई है। पूछताछ में और भी खुलासे होने की इस समय उम्मीद जताई जा रही है। लॉकर और घर की तलाशी में 68,71,000 रुपए की नकद राशि और 14 लाख रुपए के आभूषण जब्त किए गए हैं। तो 4 लाख की रिश्वत के मामले में अधिकारी को ट्रैप किया गया है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी एक्सीएन राजेंद्र प्रसाद पर यह कार्रवाई हुई है। 4 लाख की रिश्वत के मामले में उन्हें ट्रैप किया गया है। ट्रैप अधिकारी के एक लॉकर की पूरी तरह से जांच की जा रही है। दूसरे लॉकर को भी खुलवाया गया है और साथ ही अभी पूछताछ के अंदर कई खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। 14 लाख के आभूषण और करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। चित्तौड़गढ़ के इस में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी एक्सीएन राजेंद्र प्रसाद को 4 लाख रुपए की रिश्वत मामले में ट्रैप किया गया है।